नमो नमः बृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धवनल सम संसार दहनी दग्ध जीव कुला उधर कारणी करुणा बारी द कृपा बारी दाने बंदिश गुरु चरण कमल नृत गीत वाद हरिहरि कीर्तने रहना मगना महामास मने रोमांच संपादो हरि गौर प्रेमे बंदिश गुरु चरण कमल सदारत जेमी विग्रह सेवने रिंगारा दियार मंदिर मार्जने करेन नियुक्त अनुगत जने बंदिश गुरु चरण कमल सर्वकुशल जयर समय प्रसादन कृष्णेर अति साधु हये भक्त आस्वादने निज तृप्त रहे बंदिश गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला साधने लुब्ध चितजिनी हन प्रतीक्षणी बंदिश गुरु चरण कमल सर्वशास्त्र गाये श्री हरि स्वरूप भक्तगण भावे अनुरूप किंतु जिनी प्रभुर प्रियतम रूप बंदिश गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जरा प्रसादे अन्य गति नहीं त्रिसंध कीर्तिरा तब जाने भाई बंदिश गुरु चरण कमल अति जतन करी ब्राह्मे मूर्ते परे उच्च करी वृंदावन नाथ अचत श्री हरि सेवा भाई से वस्तु सिद्धि काल बंदी से गुरु कमल गुना सिंह गुरु जय गुरु देवा जय गुरु देवा गुरु देवा जय गुरु देवा जय गुरु देवा जय गुरु देवा गुरु देवा जय कृष्ण हित चतुर हन कृष्ण सेवक ब्रह्मा हते नारदे रमाते नारद हिते दास मध्व कहे दास दास पूर्णा प्रज्ञ पद्मा ना भगवते में हरि माधव अंगीकार करे अक्षर कृत गय कृत नाम करी कर दास ज्ञान सिंधु करे कहित दयानी दे कर दास विद्यानी दे राजेंद्र अल कहते कहार किंकर जया कर
नाम परि जय परम्परा जन बाल माते जय धर्म दास कहते ब्रह्मन्न तीर्थ व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति दास दास कहते माधवेन्द्र माधवेन्द्र पूरी वरत सवरत नित्यानंद श्री अद्वैत ईश्वर पुरित धन्य कर जगद्गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु कृतन्य राधा कृष्ण रूपानु गजन जीवन विश्वर प्रियंकर विश्वरूप धाम श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीवर सुनाथ कार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवक कार पद विश्वनाथ आस विश्वनाथ भक्त सास बलदेव जगन्नाथ कार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर विभव हरिवजन से जार मोद विभागवान विवर घट घर गरित प्रभु पद अंतरंग स्वरूप श्री गोस्वामी रूप सनाथ गौरवानी प्रकर I'm
सति बारी तम बुधि दोषे मुनि दम मात्र करि तथापि मुखे अभाग्य मन रहो जम बंध छोटे जगत दुर्लभया धन लोटे मनेर बचना पुनः अचिरा से देव कि नंदन दास लोहे जय विष्णव ठाकुर जय विष्णव ठाकुर विष्णव ठाकुर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर शिव सदगुरु गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दयाकारी कपाल सदाशिवधाम सावतारी अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार दान सिखाए चरणति भक्त तेरा धन आत्मनिवेदन वक्रीते वरण अवसर हेवें कृष्ण विश्वस पालन भक्ति अनुतोरा मात्र कार्यर सुकार भक्ति प्रतिकूल भाव शरणागति हरि बेजार भारत धना सुने श्रीनंद कुमार रूप रघुन श्रीनकारी दयाल गौर दयाल निताय दयाल गौर दयाल निताय दयाल गौर 168 कृष्णात कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधे धीरा धीर जन यौ प्रिय करो निर्मातरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुव भारावहन्तारकौ रूप सनातन थाउ थाउ श्री जीव गोपाल कौ नाना शास्त्र कनक निपुर सधर्म संस्थापकौ लोकानाम हितकारिणौ त्रिभुवने मानव शरणा करौ राधा कृष्ण पदारविन्द मथने
नंदे नम कालिको वंदे रूप सनातन सुजुगो श्रीजीव गोपालको श्री गौरांग गुणांगन नविदो राधा समृद्धनितो पाप ताप निकृत नौ तनु भृता गोविंद गानामृतये आनंदाम्बुधिवर्धन निपुणो कैवल्य निस्तारको वंदे रूप सनातन प्रभु जुगो श्रीजीव गोपालको नमस्ते मंडलपति रेणी सदा तोत्सव भूतीन गणेश कौ कर्णया कौपीन कंथाश्रित गोपी भावर सामृता दिलहरी कालोल मग्नौर्मो सनातन प्रभु जुगो हे देव गोपालको पूजत कोकिल हंस सा रसगना कीर्णे मयूरा सुरे नाना रत्न निवाद मूल हरितप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण हरी सौ प्रभजतौ देवार्थ जौ जौ मुदा वंदे रूप रसनौ रघु जुगौ श्री देव गोपालकौ संख्या पूर्वक नाम गान नति कालावसा निकृतौ निद्रार विहार काजितौ साचंत दीना जजो राधा कृष्ण गुणास्मिते न मधुरिमा नंदेन सन्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघु जुगौ श्रीदेव गोपालकौ राधा कुंडतते कलिंदितनया तीरे च वंशी वटे प्रेमन्मादव साधक सदसया रासौ प्रमातौ सदा सायंतौ च तदा हरिर्गुणवरौ भावा विभुक्तौ मुदा वंदे रूप सनातन रघु जुगौ श्री देव गोपालकौ हे राधे व्रज देविके च ललिते हे नंद सुनौ श्री गोवर्धन कल्प पाद पटले कालेन्दि वन्ने कुता ओ संता इति सर्वत व्रजपुरे हे दैर्मा विहलो वंदे रूप सनातनौ रघु जुगौ श्री देव गोपालकौ वंदे रूप सनातनौ रघु जुगौ श्री देव गोपालकौ जय सरग स्वामी जय सरग स्वामी सरग स्वामी जय सरग स्वामी जय सरग स्वामी जय सरग स्वामी सरश्चंद्र भांति स्फुरदमल कांति गजगति
हरि प्रेमन्मातम कृत परमासात्वं स्मितमूकम् सदा गुरुनेत्रं करकलिताभेत्रं कलिभेदं भज नित्यानन्दं भजन तरु कन्दं निरवधि रसनमगारं भजन जनासर्वत्वमतुलं तदीयत प्राण प्रतिमवसुधा जानवपति सदा प्रेमन्मादं परमविदितं मन्दमनसं भज नित्यानन्दं भजन तरु कन्दं निरवधि रति सुनु प्रेष्टं निखिल जगदीशं सुखमायं कलमत जीवो धरण करुण दाम करुण हरे रखनाथ बाबा जलदीगर भोन तिहारम भज नित्यानन्दं भजन तरुता दम निरवधि हय भ्रतनीणां कलिकलिसीनां कीनु भविता तथा प्रायश्चितं रचय जदानाय सकैन व्रजति त्वमीतं सा भगवता मन्त्रयतीजो भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निर दश समरे भ्रात गुरु हरि हरि स्वानमनीषं तत्व संसारं बुद्धि तरणोदाय मयि लघु इदं बाहुस्फोटैरततिरतय च प्रतिगृहं भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि फलत संसारं भो निविहारम् तथाश्रय सिन्धु नति कुमुद बन्धुतमुदीत कलश्रेणी स्फूर्जतिर्जा प्रभमा भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निर अनतन्तं गायन्तं हरिमनुवादं तं पतिपति भजन्तं पश्यन्तं त्वमपि न गायन्तं जनगायन् प्रकुर्वन्त सन्तं सकरुणदीदं तं प्रकरणं भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि सुभ्रभानुभातु करसरतीज कोमलकारं विश्ववक्रलोकं ललित परामानन्दहृदय रमत मधुर्जयरामादन्तपुरजं भज नित्यानन्दं भजन तरु कन्दं निरवधि रसनमधारं रसिकवरासं वैष्णवघनम् परं पतितपतितारं स्मरणार्थं परं नित्यानन्दाष्टकमिदमापु अपठतीजं तदा नृद्वन्द्वाब्जं स्फुरत नितरं तस्य हृदये भज नित्यानन्दं भजन तरु कन्दं निर जय नित्यानन्दराय जय नित्यानन्दराय नित्यानन्दराय जय उसके बाद निकल उज्ज्वल वरण महाप्रभु उज्ज्वल वरण गौरव बिलासति निरावधि भाव विदेह त्रिभुवन पावन कृपायालेश तं प्रणमामि च श्रीसचितनाय गद गद अन्तर्भावविकारं दुर्जन तर्जन नादविकारं भवभयभञ्जन तारण करुणं तं प्रणमामि च श्रीसचितनयं अरुणाम्बरधर चारुककोलं इन्दुविनिन्दितनयं
जल पिता निज गुण नाम विनोद संप्रणमामि चतुर्सते विगलित नयन कमल जल भार भूषण नवर स्वभाव विकार गति अति मंथर नृत विलास संप्रणमामि चतुर्सते तनय चंचल चारु चरण गति रुचिर मंजिर रंजित पद युगम चंद्र विनिंदित शीतल वदन संप्रणमामि च श्री सचितनय उत्कटि दोर कमंडल दंड दीप कलेवर मुंडित दुर्जन कल्मष खंडन दंड संप्रणमामि च श्री सचितनय भूषण भूर जल कवली मलय जिचित उज्ज्वल तिलक संप्रणमामि च श्री सचितनय निंदित अरुण कमल जल नयन आजन लंबित श्री भुजल कलेवर कैश्वर नर्तक वेश संप्रणमामि च श्री सचित जय सचिनंदन जय गौरी सचिनंदन जय गौरी जय सचिनंदन जय गौरी सचिनंदन जय गौरी श्रिता कमलाकोच मंडल धृतकोंडल कलिता ललिता वर्णमाला जय जय देवारे सेना मणि मंडला मंडला भवखंडन रे आ मुनि जन मानस I'm
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol,
दस मिनट की कथा सुन ली, कितना टाइम हो गया आज तो जल्दी हो गया लगता है ना। ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों के चरण में जथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में जो आए हैं, हैं किस लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए और श्री चैतन्य महाप्रभु है कौन हैं, इसलिए आज हम लोग सुनेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों आए हैं। महाप्रभु जा रहे हाँ, चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों आए हैं अब बताओ तो। चैतन्य महाप्रभु जो आए थे किस लिए आए थे बोलो थोड़ी हाँ ठीक है, लेकिन और जो चार कारण बताए महाप्रभु जगत में आने का, चार कारण है, चार कारण में क्या क्या कारण है और और कुछ कुछ कारण होता तुम भी बता दो। हरे कृष्ण। हाँ देखो सब याद रख लेना ठीक है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु जगत में आने का बहुत कारण है उसमें चार विशेष कारण, कितना इसको देखो हम लोग महाप्रभु की धारा के है ना, इसलिए हम लोगों को थोड़ी थोड़ी इसी विषय पर हमें पता रहनी चाहिए ठीक है, सब अभी याद रखना। इसलिए किस लिए जगत में आए कितना कारण है, यद्यपि बहुत कारण है इसको याद रखना, यद्यपि बहुत कारण है उसमें चार ही कारण उसमें मेन मुख्य कारण है, कहते चार ही कारण में उसमें दो जो कारण हैं साधारण कारण हैं और जो दो कारण उसका विशेष कारण है ठीक है, याद रहेगा क्या याद रहेगा, दो कारण साधारण कारण और दो कारण विशेष कारण। तो दो कारण में जो साधारण कारण उसमें भी एक साधारण कारण और उसमें भी एक मुख्य कारण है, और जो मुख्य जो कारण हैं उसमें भी मुख्य में एक साधारण कारण और मुख्य में एक विशेष कारण, इस चीज़ को याद रखना है ठीक है। कहते जगत में महाप्रभु आने का जो साधारण कारण है, कहते कलिजुग का जो युग धर्म है ये हरिनाम संकीर्तन, इसलिए बोले कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पार ठीक है ना, इसलिए कहले कलिजुग का जो युग धर्म है ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और एक बार जोर कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते जो चार युग है, चार युग में चार महामंत्र है, चार युग में चार
सत्ययुग में जो महामंत्र बताओ कौन बोल पाएगा। सत्ययुग का जो महामंत्र था, जो मंत्र को जप करके लोग उद्धार होते थे, क्या है बोला? नहीं बोला, कौन बोलेगा बोला? अभी आप लोग बहुत पुराना हो गए, इसलिए इस साधारण चीज़ को थोड़ी थोड़ी याद रख लेनी चाहिए, ठीक है ना। तुम लोग तो सब लिखे बड़े हो, ठीक है ना, लिखे बड़े, कोशिश करना थोड़ी थोड़ी इसको याद करने के लिए। सत्ययुग में जो महामंत्र था बताओ क्या है, राहुल बताओ। सत्ययुग का जो महामंत्र है, जिस मंत्र को पर काफ़ी कहाँ तो लिखोगे नहीं, सब बेस याद कर लोगे, हैं, इतना बूढ़े हो गए हो तो कब याद कर, हैं, घूम तो साधारण चीज़ तो याद रखनी चाहिए ना, क्या बोला? हाँ, इस सब चीज़ को कापी पेन ले आना, ठीक है। देखो थोड़ी 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 हमको पता रहनी चाहिए। कहते नारायण पराभेदा, हैं, नारायण परामुक्ता, नारायण परामोक्षा, नारायण परागति। कहते ये सत्ययुग का लोग इसी मंत्र को जप करके उनकी उद्धार होता था, सत्ययुग का यही मंत्र था। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में भी अलग मंत्र था, राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन। कहते ये त्रेता युग का लोग ये मंत्र को जप करके लोगों को संसार से उद्धार होता था। लेकिन आया फिर द्वापर युग, कि द्वापर युग में लोग कौन सा मंत्र जप करके उद्धार होते थे? बोले हरे मुरारे मधु कैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्षा, ठीक है। कल है ना, एक कापी पेन ले आना, क्योंकि हम लोग महाप्रभु धारा में, हमें थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। जैसे बाहर कहीं किसको हरिकथा बोलोगे, कोई बोलेगा नहीं हम तो ये मंत्र जप करेंगे, हम तो ये मंत्र जप करेंगे, क्यों ये मंत्र को जप करें, कोई बोलेगा ना। फिर आप शास्त्र का प्रमाण दे सकते हो, भविष्य पुराण में बताया, हमें मनमानी कोई अपना मन में कोई मंत्र आ गया, हम वो मंत्र को जप कर दिया, बोले नहीं। शास्त्र कहता है, कृष्ण गीता में कहते हैं, जह शास्त्र विधि मुत्सुर्ज्य वर्तते कामचारत, जो शास्त्र विधान को छोड़ करके अपना मनमानी ढंग से चलते हैं, कहते न सम सिद्धि मापनोति न सुखम न पराम गति, उसको कभी सिद्धि नहीं मिलती है, जीवन में कोई परागति नहीं मिलता है, कृष्ण गीता में कहते हैं। इसलिए हम आ करके अपना मनमानी कोई एक मंत्र को सृष्टि कर दिया, बना दिया खुद खुद, और वो मंत्र को जप करना शुरू कर दिया, हैं, कहते नहीं, भगवत प्राप्ति होना कठिन है। शास्त्र में जो लिखा हुआ पहले से हैं, कौन सा युग में कौन सा मंत्र जप करनी चाहिए, हमें उसी मंत्र को ही हमें जप करनी चाहिए। बोले कलयुग का जो महामंत्र क्या है, कहते ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बोलेगा नहीं चैतन्य महाप्रभु आए और ये मंत्र को जप करते, नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई अपना मनमानी कोई भी बात को उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने ये आकर के दिखाया, देखो वेदों में क्या बताया, भागवत में क्या है, गीता में क्या है, शास्त्र में क्या क्या बताया गया, अब उसी को ही अनुसरण करो और उसी से ही तुम्हारा कल्याण होगा, उसी से ही तुम्हारा मंगल होगा। तो उन्होंने कोई अपना मनमर्जी कोई बात नहीं बताई। महाप्रभु कहते हैं सकल प्रमाण दिवे पुराण वचन, जब कोई चीज़ को प्रमाण दोगे, पुराण में क्या बताया उसको बताओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी बात का क्या महत्व है, तुम बोले तुम होते कौन बोलने वाले, हैं, हमारी गीता में क्या, रामायण में क्या, भागवत में क्या, शास्त्र में क्या बताया गया उसको हमें, उसको बोलनी चाहिए, उसका महत्व, उसको ज़्यादा महत्व है, ठीक है। इसलिए कल काफी एक पेन ले आना, ठीक है, ये चार जो का चार मंत्र मैं फिर बोल दूंगा, फिर उसको लिख करके ले जाना घर में, ठीक है। इसको रोज रोज एक एक नई नई चीज़ सीखना, ठीक है, एक एक नई चीज़ सीखना। अभी कलयुग में जो महामंत्र है, हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं रचना किया, कोई पुराण नहीं, कुछ नहीं रचना किया, केवल उन्होंने 8 श्लोक केवल बताया। कितना श्लोक बताया? 8 श्लोक।
जिसको कहते हैं शिक्षाष्टकम, जिसका नाम शिक्षाष्टकम जिसका नाम है। इसलिए ये 8 श्लोक में केवल उन्होंने हरिनाम को ऊपर में बताया, हरिनाम करने से क्या होता है, हरिनाम हमें कैसे करनी चाहिए, हरिनाम करने का तरीका क्या है, हरिनाम करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, हैं हरिनाम करने पर तुम्हें क्या मिलेगा। कहते ये शिक्षाष्टक में महाप्रभु केवल हरिनाम को ऊपर बताया। कारण क्या है, कारण है कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। कलियुग में जो युग धर्म है ये हरिनाम संकीर्तन है, इसीलिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में अवतीर्ण हुए, हरिनाम को जगत में सबको घर घर में पहुंचा के लिए है। इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जात नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमर नाम। एक दिन ऐसा आएगा नगर ग्राम सर्वत्र ये हरिनाम प्रचार होगा, गांव गांव में घर घर में ये हरि का नाम जाएगा, सबके सब कलयुग में हरि का कीर्तन करेंगे। किसने प्रभुपाद को बोले, बोले प्रभुपाद हर शहर शहर में एक गौड़ीय मठ हो जाए, एक शहर शहर में एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद क्या बोले जानते हो, बोले शहर शहर में क्यों, एक एक जो इंसान है, एक एक जो इंसान है, हम चाहते एक एक इंसान गौड़ीय मठ बन जाए, एक एक इंसान गौड़ीय मठ बन जाए। जैसे आप लोग तिलक लगाए हरिनाम कर तो आप ही गौड़ीय मठ हो, आप एक गौड़ीय मठ हो, हैं तिलक लगाए द्वादश अंग में हरिनाम गले में कंठी माला धारण करते हैं, आप भी एक के आप गौड़ीय मठ हो, हैं। इसलिए महाप्रभु जगत में क्यों आए, कि हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए, सर्वत्र हरिनाम प्रचार हो, सुखी है या लोग मोर गाइबे की कीर्ति, लोग सबके सब खुश हो करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भले अपने सवारे प्रभु करे उपदेश, कृष्ण नाम महामंत्र सुनह हरि से। महापुरुष स्वयं अलग अलग समय पर महाप्रभु ने हरि नाम को शिक्षा दिया। महाप्रभु क्या करें, कहते जी हरे कृष्ण महामंत्र है, प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र, यहाँ जप किया सबे करिया निर्बंध, या है ते सर्व सिद्धि है वे सवार, सर्व क्षण बोले थे विधि नहीं। हाँ प्रभु सब भक्तों को बैठा करके बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, तुम लोगों को ये हरिनाम मैंने दिया है कि हरिनाम का सबके सब हरिनाम करो। बोले हरिनाम कैसे करनी चाहिए, बोले नियमित करके। नियमित मतलब क्या, आज इच्छा हो गया एक दो माला कर लिया, कल इच्छा नहीं हुआ माला जहाँ था लटक रहा है, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए। गुरु जी कहते थे जब मैंने तुमको हरिनाम दिया है, जब मैंने तुमको ये हरिनाम दिया है, हरिनाम नहीं दिया मैं तुमको कृष्ण दिया है, क्या दिया है, मैं तुमको ये कृष्ण दिया है, इसलिए अभी इसको सेवा करना। माला करना मतलब होता है भगवान की सेवा करना, ये माला करना है, हैं। इसलिए इसको नियमित पूर्वक, माला को नियमित पूर्वक जप करनी चाहिए, हैं। इसलिए नियमित क्यों करनी चाहिए, कारण क्या, बोले कारण है जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है उसको पढ़ाई में ऊपर उठ रहा है ना पढ़ाई में नीचे आ रहा है, पता कैसे चलेगा, उसको एग्जाम, जब वो बच्चा पेपर देगा वो पेपर से ही पता चल जाएगा उसने कितना मार्क लाया है, फर्स्ट डिवीजन में लाया ना सेकंड डिवीजन में लाया ना थर्ड डिवीजन में लाया, केवल उसकी पेपर से ही पता चल जाता है, नहीं बच्चा बढ़िया पढ़ाई किया है, एकदम फर्स्ट डिवीजन में लाया है उससे। उसी तरह हमारी भक्ति में हम बढ़ रहे हैं ना भक्ति में हम घट रहे हैं, हम भक्ति में बढ़ रहे हैं ना भक्ति में घट रहे हैं, इसको पता कैसे चलेगा, ये हरिनाम को द्वारा ही पता चलेगा। क्यों, कलयुग में केवल प्रभु का नाम से ही हमारे उद्धार होगा, इसलिए कोशिश करनी चाहिए माला में कुछ माला को फिक्स नंबर रख करके, जितना तुम्हारी सहज रूप में होता है अपना, जितने तुम्हारी सहज रूप में घर का काम काज को करके तुम्हारी जितने समय बचता है
हैं, बजते समय क्या करो, भगवान की माला में ठीक से नाम करो, और दूसरे समय में जब घर की सेवा कर रहे हो, घर में रसोई बना रहे हो, घर में झाड़ू लगा रहे हो, घर में कपड़ा साफ कर रहे हो, उस समय में क्या करो, हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर जी के नाम लो, बात हो जाएगी। हाथ में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो, उससे ही हमारी कल्याण हो जाएगा, ऐसी सही। इसलिए कहते हैं अपने सवार करे उपदेश, बोले की शयने की भोजने की बा जागरणे अहर निश्चिंत कृष्ण बोलो हवदने। की शयने क्या सोते समय, की भोजने क्या खाते समय, की बा जागरणे क्या जगते समय, क्या करो हर समय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम करते रहो हर समय हरि नाम। आप बोलोगे ठीक है, जगते समय, चलते समय, खाते समय कर लेंगे, कहते तो सोते समय भी करना। सोते समय तो आंख बंद कर देता है, आधा मृत अवस्था, तो उसी समय में कैसे करेंगे? बोले आप देखना, जिस चीज़ को आप दिन भर करते हो, दिन भर जिस चीज़ को आप दिन भर करते हो, आप देखना रात को जब सोवे ना वही याद आएगी। अब कभी कभी होता है ना किस चीज़ में बहुत ज़्यादा तुम ऑब्जर्व हो गए, पूरा डूब गए, आप देखना सोते समय भी वही सपना आता है, सोते समय भी वही सपना आता है। इसलिए जो चीज़ हम अपना क्या करेंगे, अपना अभ्यास करेंगे, उसको ही हम रात का समय में भी वही हमारी याद आएगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन, एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन, अतएव कलियुगे नाम यज्ञ सार, आन कौन धर्म कहले नाही है पार। यहाँ पर कह रहे हैं जैसे हमारे कलि संतरण उपनिषद में नारद देव पुराण में क्या बताए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब कलयुग में भगवान का नाम को छोड़ करके और कोई उपाय है नहीं। इसलिए उसमें पहला लाइन में तो हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम तीन बार लिया, मतलब अगर प्रभु का नाम को छोड़ करके अगर कोई बोले नहीं और थोड़ा हम और कुछ कर लेते, जो तपस्या ध्यान थोड़ा कर ले, बोले नहीं और कुछ नहीं करनी चाहिए कलयुग में, हैं केवल ठाकुर जी का नाम ही जप करनी चाहिए। इसलिए दूसरे लाइन में बताए नहीं नहीं नहीं, मतलब प्रभु का नाम को छोड़ करके और कर अगर कोई उपाय करोगे प्रभु को प्राप्ति करने के लिए, नहीं होगा, तुम्हारी उद्धार नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर तीन बार नहीं बताए, ना ही है पार रात्रि दिन नाम लय खाए थे सुनते ताहर महिमा वेदे नहीं पार देते। देखो क्या कह रहे, जो व्यक्ति खाते सोते उठते हर समय प्रभु का नाम लेता है, हैं हर समय ठाकुर की नाम जप करते रहते हैं, अपना चलते समय सोते समय और काम करते समय जो करता है, शास्त्र कहता है उसका जो महिमा, वेद में भी उसकी महिमा को गा नहीं सकता है। क्योंकि जो साधारण व्यक्ति का मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता है, कहते जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामा निषदा तिष्ठति भारत। कृष्ण कहते हे अर्जुन, किसका मुँह में भगवान का नाम उच्चारण हो सकता है? बोले जनई पूर्व सत जन्मम, जो सत जन्म पहले 100 जन्म तक ठाकुर की अर्चन पूजा सेवा की हैं, उसको मुँह में ठाकुर जी का नाम हर समय वही ले सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता है। देखना सब बैठ करके चौपट लगा लेंगे, उसकी बहू ऐसे की, उसकी बेटी ऐसे की, उसको घर में झड़ा हो रहे हैं, उसको घर में अमुक हो रहे हैं, बैठ कर गप्पे मारने लग जाएंगे चौपट लगा कर, हैं? लेकिन बोलो तो हरिनाम कर, बोले नहीं होता है। तो हरिनाम कर, बोले कि हरिनाम हमसे नहीं होता है। कारण क्या है? कारण है पूर्व पूर्व जन्म की जिनकी बहुत अच्छा संस्कार है, वही व्यक्ति ही भगवान का नाम को ग्रहण कर सकते हैं। ताहर महिमा सुन मिश्र कलियुगे नाही तप यज्ञ जय जन भजे कृष्ण तार महाभाग्य। महाप्रभु कह रहे हैं सुन मिश्र, हैं तपन मिश्र कहते हैं कलियुग में और कोई धर्म नहीं, जय जन कृष्ण तार महाभाग्य,
जो व्यक्ति कृष्ण भजन करता है, कृष्ण नाम करता है, वो व्यक्ति बड़े सौभाग्यवान है। इसलिए अतएव गृह तुम्हें कृष्ण भज गया, कुटी नाटी परिहरी एकांत आया। बोले घर में जाओ, घर में जाकर के हरि नाम करो। लेकिन सारे कुटी नाटी जानते हो, जितने सब कुटी नाटी, जितने छल प्रपंच को मतलब खराब नाम, मतलब जो खराब नहीं है, सारे को ना मतलब जो निषिद्ध वस्तु, इसको छोड़ करके, सारे गंदे चीज को छोड़ करके, कपड़ता छोड़ करके क्या करो, कुटीनाटी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते हैं। छल प्रपंच जिसके हृदय में, वो प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते हैं। हृदय को सरल बनानी चाहिए। भगवान की भक्ति करने के लिए कृष्ण बंसुरी क्यों बजाते हैं? कारण उसका अंदर में पोला खाली है, और कृष्ण जैसे चाहते हैं ना, बंसुरी वैसे बजती है। इसलिए कृष्ण कहते मेरे पास में आओ तो दिल को खाली करके, भर करके नहीं, भर करके आओगे तो मैं कैसे बजाऊंगा तुमको? एकदम हृदय शुद्ध निर्मल करके मेरे पास में आया करो। एकांत हैया साध्य साधन तत्व जे कुछ सकल हरि नाम संकीर्तन में मिले सकल। जो कुछ साध्य और साधन, मतलब जो कुछ जीवन का लक्ष्य है, जो कुछ चाहते हो, कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति किसको द्वारा मिलेगा? हरि नाम संकीर्तन मिले सकल। ये हरि नाम संकीर्तन से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। महाप्रभु बोले सर्वसिद्धि। सर्वसिद्धि मतलब क्या? साक्षात कृष्ण दर्शन, कृष्ण प्राप्ति। और जो तुम मांगोगे हरिनाम से, हरिनाम तुम्हारी सारी इच्छाओं को हरिनाम पूरी कर देगी। हैं, ये जगत का वस्तु और परमार्थ वस्तु सब कुछ इसी हरिनाम से ही हमें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, इतना बहुत है, रोज रोज थोड़ा थोड़ा सुनना। ठीक है, और महाप्रभु का कथा कोशिश करेंगे, जितना दिन हम रहेंगे थोड़ी थोड़ी महाप्रभु की कथा सुनेंगे। आप कोशिश करना थोड़ी थोड़ी लिखने के लिए, ठीक है, और उसको कम से कम थोड़ी थोड़ी याद कर लेना, फिर पंडित आप हो जाओगे सब कुछ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हरि नाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण नितई गौर
गौर प्रेमानंद हरे। जय श्री श्री गुरु रंगंदर विकास गिरधारी राधा गोविंद।